Hello friends, welcome to you all on Jitendra Study Academy. Friends, this is the talk number 2 for RRB-JE General Science Subject. आज हम लोग बात करेंगे जो पहला वीडियो में हम लोगों ने कुछ 15 क्वेश्चन के अराउंड जो जनरल साइंस से रिलेटेड था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 आ गया है. ठीक है, हेयर वी विल डिस्कस मोर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल साइंस. ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आप लोग प्रॉब्लम लिखिए. ठीक है, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा डिक्टेट करने का और लिखने का भी कोशिश करूँगा. ठीक है, सो प्रॉब्लम है द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन टू. क्या बोल रहा है? द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन. ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स. ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड. ठीक है, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ऑप्शन सी है इंटेंसिटी एंड ऑप्शन डी है वेलोसिटी. देखिए इसका ऑप्शंस क्या है. द आंसर इज फ्रीक्वेंसी. अब समझो कि पिच का मतलब क्या होता है. व्हाट एग्जैक्टली मीन द पिच. देखो पिच का मतलब होता है, सपोज करो कि आप साइकिल चला रहे हो. ठीक है, इफ वी आर कंसीडरिंग द पिच ऑफ पैडल, द पिच ऑफ पैडल व्हाट एग्जैक्टली मीन्स इन. जब हम एक रोटेशन पैडल का पूरा करते हैं, जब हम एक रोटेशन पैडल का पूरा करते हैं, इन दैट ड्यूरेशन हाउ मच डिस्टेंस साइकिल ट्रेवल्स, दैट इज कॉल्ड अ पिच फॉर दैट पैडल. मैंने क्या कहा कि एक साइकिल के रिवॉल्यूशन से जितना, ठीक है, एक पैडल के रिवॉल्यूशन से जितना साइकिल ट्रेवल्स किया, दैट इज द पिच. एंड दैट एग्जैक्टली हियर वी विल डिस्कस अबाउट द साउंड. आप लोगों को पता है दोस्त कि साउंड क्या होता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है और एक वेव के फॉर्म में होता है. तो देखो बोल रहा है कि पिच डिपेंड किस चीज पे करता है. मैं बताता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. फ्रीक्वेंसी का मतलब तो सब जानते हो, हाउ मच फ्रीक्वेंट, कितना जल्दी जल्दी अगर कर रहा है. तो मैं अगर कंसिडर करूं देर आर टू वेव्स. ठीक है, एक वेव्स का एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से है. ठीक है, और कुछ एक इस तरह से है. थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं. दोस्त जब एक वेव अपने मीन पोजीशन के अबाउट फ्लक्चुएट करता है मैक्सिमम पोजीशन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन तक, इस हायर पोजीशन को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. नीचे भी होगा पर नेगेटिव वैल्यू के साथ. तो हम लोग एम्पलीट्यूड में, और ये एक तरह से ऑल्टरनेटिंग वेव है. ठीक है, तो हम लोग साइनोसॉइडल होता है तो ऊपर भी जाएगा उतना और नीचे की तरफ भी मैक्सिमम वैल्यू का. बट मुझे वो बात नहीं करना, मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं कि मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा अपना वैल्यू रेज कर सकेगा एक वेव, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. लेकिन यहां पे देखो अगर हम कंसीडर करें दिस इज द टाइम 2 सेकेंड और यहां भी करें 2 सेकेंड. बच्चों मैं क्या बता सकता हूं, इस दोनों के बीच में ठीक है, इस वेव से जल्दी जल्दी ये वेव अकर कर रहा है कि नहीं, इसका पिच देखो.
कहने का मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे पिच। देखो 2 सेकंड में केवल यहां तक वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, यहां पे देखो एक कंप्लीट हुआ, दो कंप्लीट हुआ और ये तीन कंप्लीट हुआ। सो हियर वी कैन सी दैट द मोर फ्रीक्वेंसी विल ऑब्टेंड द मोर नंबर ऑफ व्हाट ऑसिलेशन बाय द वेव एंड हेंस वी कैन सी दैट द पिच ऑफ दैट वेव इज मोर। ठीक है, एम्पलीट्यूड देखो दोनों में है, क्या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा आकर कर रहा है जल्दी जल्दी, यहां पे कम कर रहा है, बट दोनों में एम्पलीट्यूड क्या है सेम है, तो एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी ये पर यूनिट एरिया के लिए होता है तो कोई रिलेशन नहीं, और वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कहने का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, सेम डिस्टेंस टाइम सेम है, ठीक है, डिस्टेंस भी वो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, सेम ही है एक तरह से, मतलब क्या कहते हैं ट्रेवल, ठीक है। तो मेन चीज यहां पे देखो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पे करेगा नहीं, इंटेंसिटी पे करेगा नहीं, मेन है फ्रीक्वेंसी जो कितना जल्दी जल्दी। तो एक पिच क्या होता है, एक ऑसिलेशन, देखो 2 सेकंड में यहां पे एक ही ऑसिलेशन है, यहां पे तीन ऑसिलेशन है, समझ गए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोल रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड द ऑप्शन इज लॉ ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, द ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ इनर्जी, एंड द ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ मोमेंटम। आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है, देखो, चलो देखो इसका जो आंसर है लॉ ऑफ इनर्सिया, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इनर्सिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है, ये जो है लॉ ऑफ मोमेंटम, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लॉ ऑफ इनर्जी पता ही है, इनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये मैकेनिक्स का पार्ट है, उतना लेवल समझना नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ मोमेंट की अगर बात करोगे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो मोमेंट के लिए कि एक सेंटर पॉइंट के अबाउट, लॉ ऑफ मोमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ मोमेंट आप ये बोल सकते हो कि जब किसी भी सेंटर पॉइंट के अबाउट, जहां से लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का पास करेगा, तो उसके अबाउट मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, दिस इज ऑल्सो, या आप ये बोल सकते हो किसी एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, किसी एक पॉइंट के अराउंड अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसका समेशन हर एक, ठीक है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो समकोण जो त्रिभुज होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस लॉ से वैलिड करेगा, ठीक है। तो उतना डिटेल्स में जाना नहीं है यार, बस समझना कि लॉ ऑफ मोमेंटम को सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को इनर्सिया बोलते हैं। अब देखो इनर्सिया मास से रिलेटेड होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब आप किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे जब तक आप फोर्स न लगाओ तो वो अपना पोजिशन चेंज करेगा ही नहीं। दूसरा जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम इज कॉल्ड, मतलब जब आप एक इंस्टेंट ऑफ ड्यूरेशन में, मतलब एक आप धक्का लगाए फ्रिक, मतलब सडनली जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाइड करते हो, देन दैट ऑब्जेक्ट, दैट स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक मोमेंटम गेन करता है, एंड दैट इज जनरेट्स द टर्म दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन फॉर दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसी को हम लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। भाई इजी इजी प्रॉब्लम है, बस थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी वेलोसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ भी लिखो सर, कुछ भी लिखोगे इसका मतलब इसका आंसर नहीं है ये। हाँ देखो, लाइट ईयर ये इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है यार, लाइट ईयर डिस्टेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। एक साल में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम है नेक्स्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर थर्ड है, ठीक है। प्रेशर ऑफ एयर एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ह्यूमिडिटी देखो समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो आंसर क्या है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड क्या है, डज नॉट, ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की, तो यार एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और मिक्सचर ऑफ गैस, और अगर एटमॉस्फेयर के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, तो मैं बस एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं जो हमारे सरफेस के ऊपर में, वहां पे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ, अगर साउंड ट्रेवल करता है और मान लो यहां पे गैस का मॉलिक्यूल है, जितना ये इसको यहां पे रोकने का कोशिश करेगा एटमॉस्फेयर में, और जगह पे जो एयर का मॉलिक्यूल है कुछ ऐसे ही होगा और वो भी इसको रोकने का कोशिश करेगा, तो डेंसिटी एयर में गैसेस का, मिक्सर ऑफ गैसेस का हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एंड दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट इन सेम मैनर, इट विल नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ क्या बोल सकते हो लाइट, सेम चीज है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का कोशिश करता है, ठीक है।
बट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो देखो यार टेम्परेचर बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी जैसे तुम्हें ही मान लो तवे पे रख दिया जाए और नीचे से आग लगा दी जाए फ्लेम, तो क्या होगा, फुदकना सब स्टार्ट कर दोगे। तो भाई एयर के गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, दूर दूर भागने का कोशिश करेगा। इसीलिए तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो क्या हो जाता है यार, ऑक्सीजन कम होने लगता है, गैस के पार्टिकल्स बहुत कम होने लगते हैं, ठीक है, भाग जाता है दूर दूर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर रिलेटेड है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन किसी को याद हो तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इंटू आर इंटू टी। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम उतना घटेगा यार, अरे समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इन एयर। अब ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा करोगे तो उसमें वाटर ज्यादा आ जाएगा, मतलब एयर पार्टिकल कम है तो डेंसिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड को रोकने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या जैसे ही कम होगा डेंसिटी, मतलब ह्यूमिडिटी कम होगा, तो ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स कम होंगे, और ड्रॉपलेट्स कम होगा तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जाने के लिए अलाउ कर देगा। बट डिपेंड तो कर रहा है ना यार, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल डेंसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डन बाय, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डन बाय, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डन बाय, एंड द ऑप्शन इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज सोलर सेल, ग्रामोफोन, ठीक है, ऑप्शन सी इज माइक्रोफोन, एंड ऑप्शन डी इज लाउडस्पीकर। भाई साहब क्या बोल रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन साउंड एनर्जी किस में होता है, इलेक्ट्रिक में। तो पहले बोलो सोलर सेल में क्या बोलते हो, तो साउंड तो होगा ही नहीं। ग्रामोफोन, देखो ये एक ट्रांसड्यूसर होता है जो साउंड और साउंड के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, बाद में यही क्या बोल सकते हो एक तरह से ग्रामोफोन जो है, मतलब बाद में एक तरह से डिस्क नहीं आता यार जिसपे मतलब क्या कहते हैं घुमाकर एक कैसेट रोटेट किया जाता था, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम फोनोग्राफ पहले बोलते थे, ठीक है। साउंड और साउंड के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है यार, जिसको हम फोनोग्राफ पहले बोलते थे, क्या बोलते थे, फोनोग्राफ। 1887 में पहला बार इसका इन्वेंशन हुआ था फोनोग्राफ का, लेटर इट इज कन्वर्टेड, इट इज नोन एज ग्रामोफोन। सोलर सेल, माइक्रोफोन यार इसका एक निकनेम है, दिस इज कॉल्ड MIC माइक और MIKE माइक, जो हम लोग का ईयरफोन होता है ना जिसमें माइक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन यार। एंड ऑल्सो बहुत ईजी है समझना कि हम लोग जब बात करते तो आवाज को माइक्रोफोन क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और बात करते हैं लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है यार, तार पहले लगाते हैं, वायर लगा होता है, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, ठीक है। सो लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, सोलर सेल कन्वर्ट, सोलर सेल क्या होता है पता है, सोलर सेल जब लाइट आता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट,
आप बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करता है एंड देन हम लोग उसको क्या बोल सकते उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है कन्वर्ट करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल, ग्रामोफोन, ये एक ट्रांसड्यूसर है जो साउंड और साउंड प्रोडक्शन में काम होता है। माइक्रोफोन कन्वर्टेड साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक एंड द लाउड स्पीकर बाई विच वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन, बता दें व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, क्या व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, ठीक है, द पैसेंजर टेंड्स टू लीन, द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ एंड द ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज इनर्सिया ऑफ मोशन, एंड ऑप्शन डी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ध्यान से, देखो व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, ठीक है, मतलब कोई गाड़ी चल रही है और अचानक उसको क्या करे ब्रेक लगा दिया, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन दैट केस, क्या होता है कि जब आप किसी भी गाड़ी में बैठे रहते हो, ठीक है, आराम से टक करके एकदम परे हुए बस चल रहा है, ठीक है, व्हाट हैपेंस कि बस के पास एक स्पीड होती है, जो स्पीड आप जब बैठे हुए रहते हो तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, मतलब हिप से नीचे का पोर्शन, दैट इज इन मोशन, क्यों, क्योंकि आप गाड़ी पे वहां से नीचे हो और उससे ऊपर वाला पोर्शन क्या रहता है, एकदम रिलैक्स मोड में रहता है, ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप्स करता है, ब्रेक लगाता है, तो उसके बाद ब्रेक होने के बाद आपका नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, मोशन से तुरंत क्या हो जाता है, स्टॉप होने की कोशिश करता है, और आपका जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो क्या होता है, अभी भी वैसे का वैसे है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए या तो आप कुछ पकड़ लो, अदरवाइज आप क्या करोगे उस स्टॉप्स को, ठीक है, वो स्टॉप्स करता है तो इसका मतलब क्या, आपको बोल रहा है वो आगे की तरफ, आपको बोल रहा है पीछे की तरफ जाने के लिए, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आपका जो ऊपर वाला बॉडी है जो पहले से क्या था रेस्ट में आराम से था वो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, तो वो रीजन क्या है, इनर्सिया ऑफ मोशन की बात करता है, मतलब मोशन में था और इनर्सिया तो मास से रिलेटेड होता है जो आपके बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण से होगा, ठीक है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक ऐसा फोर्स है, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, ठीक है, तो इसके चारों तरफ, ठीक है, घुमाने के लिए जो फोर्स यूज होता है वो क्या होता है, जब मौत के कुआं में एक फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ही वो चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पता ही है कि जब दो मास को रखते हैं पास में तो वो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, जैसे आप बच्चे को गोद में लेते हो तो अट्रैक्ट हो जाता है, दैट काइंड्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नो प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, बताओ भाई सोचो, इसका ऑप्शन नहीं लिखूंगा यार,
मैं पढ़ के सुना देता हूँ. प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, लिख लो यार ऑप्शन. कहोगे सर क्या कर रहे हो, लिखो. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद राइज ऑफ प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद राइज ऑफ प्रेशर. ठीक है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज इट कुक्स द फूड एट लो प्रेशर. इट कुक्स द फूड एट लो प्रेशर. पागल है, कहीं भी बना सकता है यार, इसका क्या दिक्कत है. प्रेशर कुकर यार कहीं भी बनाएंगे इसका. लो प्रेशर पे ही क्यों, तो वैसे भी ये गलत है. हाई टेम्परेचर इज अटेंड फॉर कुकिंग. हायर टेम्परेचर इज अटेंड फॉर कुकिंग. ठीक है. एंड द लास्ट इज द मटेरियल ऑफ द कुकर इज गुड कंडक्टर. द मटेरियल ऑफ कुकर इज गुड कंडक्टर. ठीक है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको देख सकते हो, तुम बना भी सकते हो. ठीक है, देखो इसका तो आंसर क्या है. हायर टेम्परेचर इज अटेंड फॉर कुकिंग. ठीक है, तुरंत क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर अटेंड कर देता है. उसका रीजन मैं बता, अगर दोस्त अगर मैं बात करूं, प्रेशर कुकर नाम ही क्या है यार, प्रेशर जनरेट करता है. सबसे पहले तो क्या, ये एक अच्छे मटेरियल का बना होता है जहां से प्रेशर या टेम्परेचर लीक नहीं करती है. उसके नीचे में जहां से आप गर्म करते हो तो वो एक कंडक्टिंग नेचर का होता है. बाहर उसके बाहर का जो मटेरियल होता है वो भी एक कंडक्टर तो होता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, हीट कंडक्टिंग ज्यादा होता है. जो हीट करते उसको जल्दी से जल्दी क्या करता है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ अंदर में भेजता है. बट साइड वाला क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, कि वो हीट जो है अंदर में ही बना रहे. तो आइडियल गैस से हम लोग क्या जानते हैं, ये कंप्रेस्ड रहता है पूरा कुकर. जब बंद कर कंप्रेस्ड एयर है, एयर जो आ चुका है उसके अंदर में बंद होगा. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है. मेरे भाई साहब, अगर जैसे जैसे तुम इसमें टेम्परेचर दोगे, हीट बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. और प्रेशर बढ़ने के कारण से कंप्रेस्ड है ना यार, कंप्रेस्ड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेगा, पूरा कंप्रेस्ड हो चुका है. उसको तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो. तो टेम्परेचर जैसे ही दोगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा. ठीक है, और हीट जनरेट होने के कारण से जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा हाई टेम्परेचर, ठीक है, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हीट जनरेट से उतना ज्यादा खाना में क्या वेपर घुसेगा, और उतना जल्दी हीटेड एयर क्या हो जाएगा, हीटेड जो वेपर होगा वो जल्दी क्या करेगा, कुक कर देगा खाना को. ठीक है, तो कोई रीजन नहीं है. प्रेशर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. तो उस प्रेशर कुकर के अंदर में हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से क्या हो जाएगा, जल्दी खाना बन जाएगा यार. और कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. ठीक है, आ जाओ यार नेक्स्ट. बोल रहा है इट इज इजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर बिकॉज. आदमी को सी में तैरना बहुत आसान है रिवर नदी के तुलना में, क्यों. ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मैन कैन स्विम इजीली इन सी वाटर देन रिवर. भाई ये मान लो कि ये रिवर है और ये सी है. मैं बता, अगर किसी चीज में तुम तैर रहे हो, ठीक है, तो तैर किस चीज के कारण से रहते हो यार. तैरने के लिए जो मेन रीजन है वो क्या है, बॉयंट फोर्स क्या करता है, डिटरमाइनिंग है. क्या है, बॉयंट फोर्स डिटरमाइनिंग. क्या है, बॉयंट फोर्स डिटरमाइनिंग.
रिवर क्या होता है, ये थोड़ा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है और यहाँ पे सेलाइन वाटर होता है, मतलब इसमें सॉल्ट मिक्सर होता है। सॉल्ट के मिक्सर के कारण से तुम बोल सकते हो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंसिटी इज हाई। और इसका डेंसिटी क्या होता है? अब देखो ये तो रीजन हो गया कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर, दैट इज वाई पीपल कैन इजली स्विम इन सी वाटर देन रिवर वाटर। रीजन अब देख लो कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। देखो बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें तुम तैर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय तैरने वाला वॉल्यूम बाय बॉडी और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो तुम ही हो, चाहे यहां रहो या यहां रहो, बॉडी तो तुम ही हो। जी क्या है? कांस्टेंट है। डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। डेंसिटी लो किसका है? रिवर का। तो देखो तैरने का कंडीशन क्या होता है, जब बॉइंट फोर्स ज्यादा लगता हो तुम्हारे वेट से तो तुम ऊपर में ही रहोगे और इजिली से तैर पाओगे, दोनों इक्वल होगा। देखो जैसे ही डेंसिटी तुम्हारा कम हुआ मतलब बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और तुम नीचे की तरह डूब जाओगे, तो मर जाओगे यार, तब तो तैर ही नहीं सका। जैसे ही डेंसिटी तुम्हारा हाई है तो बॉइंट फोर्स क्या होगा? हाई होगा। और बॉइंट फोर्स जैसे ही हाई हुआ तो तुम क्या करोगे? वेट को ओवरकम करने का कोशिश करेगा और तुम इजिली क्या कर सकते हो? तैर सकते हो। दैट इज द रीजन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वन बार इज इक्वल टू यार, वन बार इज इक्वल टू, बोलो यार इसको डायरेक्ट लिख लो एक लाइन में, वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। ठीक है यार, बार भी प्रेशर का ही क्या होता है? यूनिट होता है। पास्कल भी क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली मीन पास्कल इज? पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करोगे ना यार, ठीक है, तो इसको तुम ओमेगा से भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बट इसका मेन रीजन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे पहले तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी बोलो, ग्रेविटी या डेंसिटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इट विल बी डिफाइंड विथ रेफरेंस यूनिट, रेफरेंस लिक्विड, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब रेफरेंस लिक्विड कुछ भी ले सकते हो यार, अगर मैं बोल दूं कि यहां पे तुम किरोसिन ऑयल ले लो, किरोसिन ऑयल ले लो और वाटर ले लो, तो यार इजली क्या, हम लोग जनरली अगर कंपेयरिंग पर्पस से देखें तो वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक जो डेंसिटी होगा किस चीज का, किरोसिन का, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ किरोसिन ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, बट रेफरेंस यहां पे क्या है, वाटर है, देखो उस सब में प्रॉब्लम है, कहीं तो वाटर दिया रहेगा, अगर जनरली अगर मैं मुझसे पूछेगा तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द, या द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस अच्छा है मेरे हिसाब से जनरल केस के लिए, ठीक है,
जब डिफाइन कर दिया गया है कि जैसे वाटर को जनरली रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर पूछोगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। चलो यार लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो बोल रहा है, एक चीज याद रखना, एक और कभी कभी पूछ रहा है कि वाटर का डेंसिटी स्ट्रिक्टली 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी। वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का ये 1 ग्राम पर सीसी कहां पे होता है, तो यार ये स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर 4 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आकर के वाटर अपना एक एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा यार, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है, तो डिक्रीज ही करेगा, बट वहां से 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, डेंसिटी फिर से इंक्रीज करने लगता है, फिर इधर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना, तो 1 ग्राम, ये स्ट्रिक्टली मतलब एक तरह से वैलिड है, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर टूडेज क्लास दोस्त, ठीक है। आगे फिर से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस के ऊपर ही, ठीक है। इससे पहले एक मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो आप लोग जाकर के वहां पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। थैंक्स।